गणपति प्लाजा में फिर लॉकर खोलने की तैयारी की जा रही है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के कर्मचारी पहुंचे हैं गणपति प्लाजा। नोटिस के बावजूद लॉकर नहीं खुलने वालों को आज कुछ लॉकर खुलेंगे। आपको बता दें, विश्वस्त सूत्रों ने यह अहम जानकारी दी है। संदिग्ध बताए जा रहे इन लॉकर से निकल सकती है बड़ी मात्रा में नकदी सोना। कुछ समय बाद अधिकारियों के पहुंचने पर कार्रवाई शुरू होगी। गणपति प्लाजा स्थित रोएरा सेफ्टी वॉल्ट में है यह निजी लॉकर। आपको बता दें, निजी लॉकर से अब तक आयकर विभाग आयकर अधिकारी जब्त कर चुके हैं 7.98 करोड़ की नकदी, करीब 6.98 करोड़ रुपए का 11,253 ग्राम सोना व स्वर्ण आभूषण भी जब्त किए गए हैं। 13 अक्टूबर को शुरू हुआ गणपति प्लाजा में आयकर सर्वे आज भी जारी है। 30वें दिन भी यहां सर्वे की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। विभाग की अन्वेषण शाखा यहां आयकर सर्वे कर रही है। तो गणपति प्लाजा में फिर खुलेंगे लॉकर्स। आपको बता दें, आज फिर खजाना निकल सकता है। 30वें दिन भी बदस्तूर ये कार्रवाई जारी है। विभाग की अन्वेषण शाखा इस समय कार्रवाई कर रही है। जयपुर से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा के कर्मचारी पहुंचे और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, 30वां दिन है, बदस्तूर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है, अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तक जो अपडेट निकल के सामने आया है उसमें 7.98 करोड़ रुपए की नकदी आयकर विभाग के अधिकारी जब्त कर चुके हैं। इसके अलावा 6.98 करोड़ रुपए मूल्य का 11 किलो से ज़्यादा सोना आयकर अधिकारी इस कार्रवाई में जब्त कर चुके हैं। आज 30वां दिन है। अभी इनकम टैक्स अधिकारी अंदर से लॉकर खोल करके बाहर निकले हैं। उनके हाथ में कुछ कैश भी नजर आ रहा है जो इन्होंने पिट रखा है और तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सच बेधड़क सबसे पहले आपको दिखाया कि किस तरह से आयकर विभाग एक बार फिर कार्रवाई करने के लिए गणपति प्लाजा पहुंचे हैं अधिकारी आयकर विभाग के, और अब जो लॉकर अभी तक नहीं खुल पाए थे वो दोबारा से खोले जाएंगे। तो 30वां दिन है, सर्वे का काम बदस्तूर जारी है। विभाग की अन्वेषण शाखा इस समय कार्रवाई कर रही है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी जुड़े हुए हैं। विमल, गणपति प्लाजा आयकर विभाग की टीम पहुंची है, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? इसमें जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि आयकर अधिकारी ने आज दो लोगों को गोदरेज कंपनी के कर्मचारी की मदद से खुलवाया है, और जिन लोगों को खुलवाया उसमें से कुछ कैश भी मिला है। दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैश की घड़िया टेबल पर रखी हुई है, और उसके बाद में मशीन भी आ चुकी है जिसकी कैश काउंटिंग होगी। और कैश काउंटिंग होने के बाद ये पता लगेगा कि इसका पता बाद में लगेगा। फिलहाल डिपार्टमेंट नकदी को गिरने की तैयारी पूरी कर दी, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर है जो सामने बैठ गए हैं, और उन्होंने मतलब मशीन का भी ऑपरेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा ये देखा जा सकता है कि बीच में खरीदारी खड़ी हुई है, जो डायरेक्टर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम से, और इनके पास में जो ट्रेडिंग पे अगर आप देख सकते हैं तो कुछ लोगों की गड्डियां रखी हुई जो 500 और ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिर से लॉकर खुलने वाले हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन 30वां दिन है, बड़ी बात है जब आयकर विभाग की टीम लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, कुल 1100 लॉकर बताए जा रहे थे, लगातार लॉकर्स खोलने का काम भी जारी रहा। कई ऐसे लॉकर जो कि संदिग्ध थे उनकी सूची बनाई गई, उनके जो ओनर्स थे लॉकर के उनको सूचित किया गया, उन तक सूचना पहुंचाई गई, नोटिस भेजा गया। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सच बेधड़क सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां आज आयकर विभाग की टीम एक बार फिर पहुंची है, और गणपति प्लाजा में ये लॉकर से जुड़ा हुआ मामला है। टीम यहां पर सर्वेक्षण करने 30वां दिन है वापस से पहुंची है, और ये आप देख सकते हैं नोट गिनने की मशीन यहां पर मौजूद है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कुछ कैश भी अभी निकला है, फिलहाल कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन
गणपति प्लाजा स्थित रोहिड़ा सेफ्टी वॉल्ट के निजी लॉकर से जुड़ा हुआ यह मामला, जिसमें अब तक 7.98 करोड़ रुपए की नकदी मिल चुकी है और लगभग 6 करोड़ से ज्यादा का सोना भी यहां से मिल चुका है। तो बड़ी कार्रवाई अभी यहां पर हुई है और 30 दिन से ये कार्रवाई लगातार जारी है। आज की इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आयकर विभाग की टीम, अन्वेषण शाखा के कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। नोटिस के बावजूद जो लॉकर नहीं खोले गए, जिन लॉकर धारकों ने लॉकर्स नहीं खोले, अब वो लॉकर्स खोले जा रहे हैं। तो गणपति प्लाजा स्थित रोहिड़ा सेफ्टी वॉल्ट के निजी लॉकर, जिसमें लगातार 30 दिन से कार्रवाई चल रही है, जिनमें 6.98 करोड़ रुपए मूल्य का सोना भी मिल चुका है और लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद भी यहां से जब्त की गई है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुछ कैश रखा हुआ है। सीधी तस्वीरें सच बेधड़क पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जहां कुछ लाइव कैश रखा हुआ है टेबल के ऊपर। लगातार अन्वेषण शाखा के कर्मचारी यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई है। तो फिर से अब लॉकर यहां पर नकद उगल रहे हैं और वही तस्वीरें टेबल पर नकदी की रखी हुई है। और अभी लेकिन किसकी ये नकदी है और कितने रुपए बरामद किए गए हैं, आज फिर कितने रुपयों की जब्ती की गई है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। हम ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। गणपति प्लाजा रोहिड़ा सेफ्टी वॉल्ट के लॉकर्स हैं ये, एक निजी लॉकर्स जहां पर ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। 30 दिन से ही कार्रवाई चल रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा का नकद यहां से मिला और लगभग 7 करोड़ के करीब मूल्य का सोना भी यहां से जब्त किया गया। तो गणपति प्लाजा में फिर से अब लॉकर्स खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गणपति प्लाजा के रोहिड़ा सेफ्टी वॉल्ट निजी लॉकर्स की, जहां पर इस समय अन्वेषण शाखा के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्रवाई में जुटे हैं। तो फिलहाल जिन लोगों को नोटिस भेजा गया था, जिनके लॉकर्स नहीं खुल पाए थे, उन तमाम लॉकर धारकों को सूचना दी गई थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और अब उन लॉकर्स पे कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता विमल कोठारी। विमल, लगातार कार्रवाई चल रही है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं लाइव, नकदी भी रखी है, नोट गिनने की मशीन भी रखी हुई है, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी हो सकती है जी। आयकर अधिकारी ने अभी एक लॉकर खोला और एक लॉकर खोलने के बाद में एक दूसरा लॉकर भी खोला जाएगा जिसको चिन्हित किया गया है और उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद में आयकर अधिकारी उसके बाद में यात्रा करेंगे। अभी शुरुआत हो चुकी है, पहला लॉकर जैसे देख रहे हैं कि आयकर अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर है उसका इन्वेस्टिगेशन के उनके सामने केस काउंटिंग हो रही है और जो आयकर कर्मचारी है वो केस काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल विमल, कैश काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है। कितने लॉकर्स हैं अभी जो बाकी रह गए हैं, जिनको नोटिस दिया गया था और अब उनपे कार्रवाई हो रही है? पहले खबरें आ रही थी कि करीब 40 लॉकर ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं खोले गए और तमाम लॉकर धारकों को नोटिस दिया गया था, उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है या कुछ अन्य लॉकर भी इसमें शामिल हो गए हैं? ये जो कार्रवाई हो रही है ये उन्हीं पर हो रही है जिन लॉकर धारकों को नोटिस दिया गया था और जो लॉकर धारक पहुंचे नहीं थे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी जो लॉकर खुला है लॉकर में भी नकदी दिखी है, उसी नकदी को गिना जा रहा है, तो विमल ये तो बड़ा सवाल हो गया कि नोटिस दिया गया विभाग की ओर से, वो लोग पहुंचे नहीं है, ऐसे में उनसे अभी तक क्या उनका क्या फीडबैक रहा, क्यों नहीं आए वो लोग लॉकर्स खोलने, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं,
हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन लोगों ने अलग अलग बहाने करके आयकर विभाग से लोकर जो खोलने की समय सीमा थी उस सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और उसके बाद। हेलो जी, ऐसे में उन पर कार्रवाई करने की क्या कुछ तैयारी है? चलिए लॉकर्स तो खोल लिए जा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल विमल बताएं। नहीं मैं ये कह रहा था कि अभी ये जो कार्रवाई चल रही है इस समय, जैसे दर्शक लाइव पे देख सकते हैं तो इस समय जो जो नोट है वो नोट निकाले जा चुके हैं, पहला लॉकर खुल चुका है और इसके बाद में जो दूसरा जो लॉकर है उस दूसरे लॉकर को भी खोला जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी कोई नाम सामने आया, कोई बड़ा नाम? क्योंकि सभी को इंतजार था कि वो कौन से लोग हैं जिनके यहाँ लॉकर्स हैं और इतनी भारी संख्या में नकदी रख रखी है। बिल्कुल, जहाँ तक इनकम टैक्स अधिकारियों से नाम के बारे में जो जानकारी चाही गई उसके बारे में इनका ये कहना है, इनकम टैक्स कानून में इस तरह के प्रावधान है कि इनकम टैक्स अधिकारी करदाता के नामों का खुलासा नहीं करते, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज जो लॉकर खुला है वो किसी प्रोफेशनल का है और ये जो पैसा रखा हुआ है ये उसी प्रोफेशनल से बिलोंग करता है। अब ये प्रोफेशनल कौन है, उसका क्या है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा प्रोफेशन है, उसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी क्या विमल इसलिए नहीं दी जा रही है कि अभी तक पता नहीं है कि ये काला धन है भी या नहीं, उसकी जांच होना भी बाकी है? नहीं, ये तो निश्चित है कि ये धन काला है, बिकॉज इनकम टैक्स कानून के अंदर इस बात के प्रावधान है कि आप जो नगद में लेन देन करते हैं वो 2 लाख रुपए से अधिक का नगद में लेन देन नहीं कर सकते जी। और यदि आप 2 लाख से अधिक का नगद में लेन देन करते हैं तो इनकम टैक्स कानून की धारा 132 है, उसके अंदर इस तरह के प्रोविजन है कि जो लोग 2 लाख से ज्यादा का नगद लेन देन करेंगे उनके ऊपर भी दंड लगेगा। तो जो इतनी बड़ी भारी संख्या में जो नकदी मिली है ये नकदी इसी बात का प्रमाण है कि ये नकदी निश्चित रूप से अवैध रूप से कमाई गई आय का हिस्सा नहीं हो सकती, अवैध रूप से कमाई गई आय का हिस्सा नहीं हो सकती, लेकिन ये किसका है क्या है इसका जानकारी इसके बाद में मिलेगी जब ये पूरी कार्रवाई मुकम्मल रूप से खत्म हो जाएगी। तो जैसा कि आप विमल बता रहे हैं कि 40 लॉकर्स इसमें शामिल हैं, जिनमें से अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लॉकर्स को अभी तक खोला जा चुका है, कितने बजे से ये कार्रवाई चल रही है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? देखिए ये कार्रवाई आज यदि धनतेरस के दिन की बात करें तो इस कार्रवाई की शुरुआत करीब 11 बजे के आसपास हुई थी, जब हमने पहली खबर को पेश किया था कि 11 बजे के आसपास इनकम टैक्स के कुछ कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे और हमें भनक ये मिली थी कि आज कुछ लॉकर्स यहाँ खोले जा सकते हैं। उसके बाद करीब 12:20 के आसपास इस कार्रवाई की शुरुआत हुई जब अधिकारी पहुंच गए थे और अधिकारियों ने इस बात को अप्रूव कर दिया कि हमारे पास संबंध आ गया है, जो अधिकार होता है इनकम टैक्स उच्च अधिकारियों का जो इनकम टैक्स के लॉकर्स को ऑपरेट करने के लिए जरूरी एक दस्तावेज होता है वो दस्तावेज इनके पास आ गया और उसके बाद में इनकम टैक्स अधिकारियों ने इसके बाद ये कार्रवाई शुरू की। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट है, जो प्राइवेट कंपनी है जो लॉकर्स रखती है, इसमें गोदरेज कंपनी के लॉकर्स रखे हुए थे, गोदरेज की कर्मचारियों को भी बुला लिया और उसके बाद में इन लॉकर्स को फोर्सफुली खोलना शुरू कर दिया जी। तो अभी तक विमल आप बता रहे हैं जैसा कि अभी 40 लॉकर्स में से कुछ ही खुल पाए हैं, ऐसे में अभी इतना लंबा गैप क्यों दे दिया था? क्योंकि बहुत पहले ही खबर आ चुकी थी कि 40 लॉकर्स ऐसे हैं जो नहीं खोले गए हैं, तमाम जो लॉकर धारक हैं उनको नोटिस दिया गया है, तो ये लंबा गैप जो दिया गया इसका कारण क्या सामने आया? ये 40 का फिगर नहीं है, टोटल 200 लोगों को नोटिस दिए गए थे, 200 लोगों में से 160 से ज्यादा लॉकर अब तक खुल चुके हैं, क्योंकि जो 7 करोड़ 98 लाख रुपए के आसपास की जो नकदी जब्त हुई है, इसके अलावा 6 करोड़ 98 लाख रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है वो उन्हीं लॉकर्स में से किया गया है जिनको खोला गया था। इनकम टैक्स के नोटिस के बाद में जब लोग यहाँ आए थे उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन संतोषजनक नहीं होने की दिशा में इनकम टैक्स कानून की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के आधार के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास की इस जब्ती को अंजाम दिया और अभी जो कार्रवाई चल रही है इस कार्रवाई के बारे में भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये जो पैसा है लॉकर्स में से निकला है ये पैसा वैध रूप से कमाई का नहीं होकर के अवैध रूप से कमाई गई राशि हो सकती है और इस राशि के आधार के ऊपर इस बात की पूरी संभावना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस राशि को जब्त करेगा। ठीक है, कानूनी प्रावधान के हिसाब से काम चल रहा है, तो अभी तक जो नाम है पिछले जो लॉकर्स खोले गए उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई जिनके लॉकर्स में से नकदी मिली और वो जवाब नहीं दे पाए उस नकदी के बारे में? देखिए जो लोग जवाब नहीं दे पाए, नकदी का सूत्र नहीं बता पाए, उनकी नकदी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया है और अब उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असेसमेंट की प्रक्रिया होती है वो असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इन लोगों से नकदी का सूत्र पूछा जाएगा और सूत्र के आधार के ऊपर इनकम टैक्स कानून के जो प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई होगी।
ठीक है विमल, ऐसे लोग जिनकी नकदी मिली है यहाँ पर, काला धन मिला है, उनके और भी ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, उसके बारे में कोई जानकारी? अभी फिलहाल कोई कार्रवाई दूसरी जगह नहीं की है। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई केवल लोकर के ऊपर चल रही है, और इस लोकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट या इस लोकर के अंदर जो लोग संदिग्ध रूप से नकदी रखने के दोषी पाए जाएंगे, उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्दर इनकम टैक्स कानून के प्रोविजन के हिसाब से कार्रवाई करेगा। विमल, ऐसे लोग भी बताए जा रहे थे जो कि व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जयपुर के नामी गिरामी लोग थे, साथ ही ऐसे लोग जिनको जो कि सरकारी विभागों में टेंडर ले रहे थे, उनके भी लॉकर, ऐसी खबरें आ रही थी कि उनके भी लॉकर से वहां से भी नकदी प्राप्त हुई है। नहीं, ऐसी खबरें नहीं थी, ऐसे आरोप थे जो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे। उसमें जो आरोप लगाए थे वो ये बताए थे कि इसमें जल जीवन मिशन का और पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोगों का काला धन इस लोकर में जमा हो सकता है, इन लोकर, ये जो प्राइवेट कंपनी का लोकर है इस लोकर में जमा हो सकता है। इसके बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और अभी इस समय जैसे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनकम टैक्स अधिकारी जो कार्रवाई है इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और कार्रवाई के जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे वो अधिकारी अभी इस लोकर से मिली सामग्री का सत्यापन कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन के बाद में आगे कार्रवाई। लेकिन विमल, यहाँ बड़ी बात यह है कि आरोप बहुत बड़े लगाए थे किरोड़ीलाल मीणा ने, और 500 करोड़ तक की बात उन्होंने कही थी, इतनी नकदी यहाँ से अभी नहीं मिल पाई है, या उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अब लॉकर्स खुलेंगे वहाँ पर इतना कुछ इकट्ठा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई अंदेशा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ऐसा अंदेशा नहीं है, या कोई 500 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी मिलेगी। अब तक जो नकदी जमा हुई है वो कुल जमा 8 करोड़ के आसपास है, और इसके अलावा जो ज्वेलरी और गोल्ड वगैरह जो ठीक हुआ उसका मूल्य करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास माना गया है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है अभी अभी तक जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई के अंदर करीब 14-15 करोड़ रुपए के आसपास का की संपत्ति वो ही जब्त किया है, जबकि आरोप 500 करोड़ के और 50 किलो सोने के लगे थे। ठीक है, तो अभी अब आगे आयकर विभाग की क्या कुछ तैयारी है इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि आज 30 दिन हो चुके हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है। जी, जहाँ तक तैयारियों की बात की चर्चा करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ये जानकारी साझा नहीं करता कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया जा सकता है अनुमान यही है कि जो रोहिरा सेफ्टी वॉल्ट जो प्राइवेट लॉकर कंपनी है, इस कंपनी में 1100 लॉकर थे, 1100 लॉकर में से करीब करीब आधे लॉकर करीब करीब 500-550 के आसपास लॉकर के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, इसको अंजाम दिया जा चुका है। अभी भी करीब 300-400 लॉकर ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, जिनको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेगा। ऐसे लॉकर धारक जिनको बार बार नोटिस दिए गए हैं, उन नोटिसेस को उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया है, लॉकर खुलवाए नहीं है, तो उन लॉकर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई समाप्त करने से पहले फ्रीज करेगा, और इसका अर्थ ये हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मौजूदगी के बिना उन लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा ऐसे लॉकर धारक जिनको अभी तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस नहीं दिया है और ना ही उन लोगों ने अपने लॉकर खोले हैं, तो इसमें निश्चित रूप से जो भी बचे हुए लॉकर धारक हैं उन सबको नोटिस दिए जाएंगे। उन लॉकर्स धारक जिनको नोटिस दिया गया और वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लॉकर्स नहीं खोले गए, उनके बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है? वो लोग अभी है? तक नहीं पहुंचे गए हैं, उन्हीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कार्रवाई की है। आज जो दो लॉकर खोले जाने की सूचना है, ये दोनों लॉकर उन्हीं लोगों के हैं जिन लोगों ने नोटिस देने के बावजूद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल इस तमाम जानकारी के लिए।